एल्कोन स्कूल की छात्रा के सुसाइड का पूरा मामला। कुछ देर में स्कूल पहुंचेंगे मृतक छात्रा के परिजन। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नोएडा सिटी एसपी अरुण कुमार सिंह स्कूल पहुंचे हैं। नोएडा मामले में जांच, असल सस्पेंड नहीं, एफआईआर लिखने वाला मुंशी सस्पेंड किया गया। एफआईआर में छेड़खानी की धारा नहीं लगाने का आरोप, सेक्टर 24 थाने का पुलिस मुंशी सस्पेंड किया गया। कांस्टेबल नपेंद्र को निलंबित किया गया है। जांच अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल कि जांच अधिकारी पर कार्रवाई कब होगी। एफआईआर लिखने वाला मुंशी सस्पेंड किया गया है। एल्कोन पब्लिक स्कूल का यह पूरा मामला। नोएडा से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सेक्टर 24 थाने का पुलिस मुंशी सस्पेंड किया गया, लेकिन जांच अधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कांस्टेबल नपेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले पर एल्कोन स्कूल के प्रिंसिपल और एसपी सिटी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। कभी कुछ नहीं हुआ, आपको कोई कंप्लेंट लेकर आए थे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ने कहा है कि वो आपके पास पहले भी इस मामले में कंप्लेंट जो है, कभी भी नहीं, कभी भी। क्या आप उसकी आंसर स्क्रिप्ट को पब्लिक करेंगे या शेयर करेंगे एजेंसी? वो ऑलरेडी उनके पास है, पेरेंट्स के पास है। वाज शी अ गुड गर्ल सर? व्हाट डिड शी, हाउ डू यू सी हर? हाउ डू यू डिफाइन गुडनेस? शी वाज जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड। वी डोंट क्लासिफाई द स्टूडेंट्स एज गुड। मृतका के पिता द्वारा एक तहरीर थाना 24 में दी गई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल के दो टीचर, उनकी बेटी जो कक्षा 9 की छात्रा थी, उसको परेशान करते थे और उन्होंने जानबूझकर उसे फेल कर दिया है। पिता के बार बार प्रोत्साहित करने के बावजूद उनका आरोप है कि बेटी इतना तनाव में थी कि इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली है। उनकी इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना से जो साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्यवाही पूरी जिम्मेदारी के साथ की जाएगी। एल्कोन पब्लिक स्कूल का ये मामला। संवाददाता दानिश अजीज इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। दानिश, मुंशी को सस्पेंड किया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे उस पर कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, जिस तरीके से लापरवाही करी गई थी एफआईआर लिखने में, तो मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन आज 12 बजे जो है पुलिस पहुंची है, ठीक 12 बजे यहाँ पर पुलिस के जो एसएचओ हैं वो पहुंचे अपने पुलिस कर्मियों के साथ और सीधा भारत समाचार के कैमरे पर सीधा आरोप लगाया पिताजी ने एसएचओ के ऊपर कि अब ये 12 बजे आए हैं। हमने उनसे सवालात किए लेकिन वो बहुत कुछ कह पाने में नाकामयाब रहे, वो कुछ भी अपनी सफाई नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इस ढीले रवैये पर भी कार्रवाई कप्तान को करनी पड़ेगी कि हाँ, आखिर इंस्पेक्टर समय से क्यों नहीं पहुंचे। कल शाम से ही पूरा मामला चल रहा है। हालांकि सबसे पहले कल शाम भारत समाचार ने जब इस खबर को ब्रेक कराया तो एसएचओ को इस पूरे घटना की जानकारी नहीं थी। काफी देर उनको जानकारी लगी और जब जानकारी लग गई थी तो आखिर जब सुबह घर आ जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो घर से ही शुरू होती है। बच्ची के जो और भी बहुत सी चीजें हैं जो कलेक्ट करनी थी पुलिस को, पुलिस ने नहीं करी। फॉरेंसिक जो टीम होती है वो यहाँ पर नहीं पहुंची जो फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा कर सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही है और सीधा सीधा इंस्पेक्टर के सामने ही उनके पिता ने आरोप लगाया कि अब ये 12 बजे आए हैं। आखिर पुलिस का ये ढीला धवाला रवैया क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा मामला बन जाना था, पुलिस को समय से यहाँ पर आ जाना चाहिए और जो भी एविडेंस इकट्ठा करने थे वो यहाँ पर इकट्ठा करके कम से कम कार्यवाही करनी चाहिए। तो पुलिस का जो ढीला रवैया पूरे मामले में, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली के एक जाने माने स्कूल एल्कोन इंटरनेशनल की 9वीं की बच्ची ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। आखिर वजह क्या थी, पूरा मामला क्यों, बच्ची क्यों मजबूर हुई आत्महत्या के लिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जेम्स लोबो की कहानी जैसी हकीकत है 15 साल की इस बच्ची की भी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। एल्कोन पब्लिक स्कूल के दो टीचर्स पर आरोप है कि वो बच्ची से छेड़खानी करते थे। बच्ची ने इसकी शिकायत घर में भी की थी, लेकिन घर वालों को क्या पता था कि उनकी जरा सी अनदेखी इस मासूम को मौत के मुंह में धकेल देगी।
हमारी बिटिया ने एक महीने पहले बताया था कि पापा हमारे दो टीचर ना स्कूल के जो हमको एसएसटी पढ़ाते हैं वो ना मेरा शरीर टच करते रहते हैं। मैंने बोला कि बेटा ऐसा है ना, मैं भी तो टीचर हूँ ना, मैंने कभी किसी बच्चे को किया है नहीं पापा। तो मैंने बोला कभी गलती से छुआ होगा तो पापा मुझे ना उनसे बहुत डर लगता है, मुझे ना ऐसा लगता है वो लोग फेल कर देंगे। 15 साल की बच्ची को कथक का बेहद शौक था। अपने सपनों को घुंघरुओं की खनक में जीती बच्ची दिन रात पढ़ती थी, लेकिन एल्कॉन के शैतानों की गंदी नीयत की भनक उसे पहले से थी कि कहीं वो अपनी डिमांड पूरी ना होने पर उसे फेल ना कर दें। रिजल्ट देने गए हमारी बेटी को सर 7 नंबर एसएसटी में, आज के डेट में दिल्ली के किस स्कूल में आता है सर एसएसटी में 7 नंबर। हमारी बेटी को 2 नंबर साइंस में कम देकर के फेल कर दिया एल्कॉन सर। जानते हैं एक एक बच्चे से 2-2 लाख रुपए एल्कॉन पब्लिक स्कूल में हमारे बेटे के साथ यही काम किया था। इसका हाथ तोड़ दिया था मार के, मैंने इसको 10th में निकाल लिया था। उसने बोला कि पापा मेरा साइंस ऑलरेडी रेडी है, मैं एसएसटी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन एक बात जान लो पापा मैं कितना भी लिख लूंगी ना वो दोनों टीचर मेरे को फेल करेंगे करेंगे। 2 नंबर से मेरी बहन को फेल कर दिया। 7 नंबर एसएसटी में किसके आते हैं 9th क्लास में, उनको अपने पर्सनल ग्रजेस है, उस वजह से मेरी बहन को परेशान कर रहे थे, फिजिकली मेंटली हैरेस कर रहे थे। एल्कॉन में टीचर के भेष में छिपे शैतानों का सामना बच्ची नहीं कर पाई और आखिरकार उसने घर में ग्रिल से लटक कर सुसाइड कर लिया। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता उसकी सांसें जिंदगी का साथ छोड़ चुकी थी। बच्चे की ना पल्स थी ना बीपी था, रिकॉर्डेबल था, रिस्पांस बिल्कुल नहीं थी। फिर हमने यहाँ पे कोशिश करी उसको इंटूबेट करके रिवाइव करने की, CPR भी किया, पर आखिर में डिक्लेयर करना पड़ा, उसमें कुछ नहीं मिला। स्कूलों में बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं होता, एल्कॉन पब्लिक स्कूल की मासूम बच्ची के साथ ये हुआ हादसा उसकी एक नसीब भर है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और उनका गलत तरीका पढ़ाने का ये सबके सामने आता रहता है, लेकिन जिस तरीके से एक बच्ची ने अपनी जान दे दी स्कूल के प्रेशर में, उसका सबूत आपके सामने है। इस बच्ची को कोई गम नहीं था, लेकिन इसको बाकायदा फिजिकल और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस को शिकायत दे दी गई है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर प्राइवेट स्कूलों की ये मनमानी कब तक चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। भारत समाचार। एल्कॉन स्कूल पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बच्ची की परीक्षा की कॉपियां क्यों नहीं दिखा रहा स्कूल। बड़ा सवाल, जवाबदेही से क्यों बच रहा है एल्कॉन पब्लिक स्कूल। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे इस पूरी घटना के बाद। बच्ची के परिजनों की शिकायत क्यों अनदेखी की गई स्कूल प्रबंधन की ओर से, ये बड़ा सवाल है। स्कूल में फोन करने पर पेरेंट्स से बदतमीजी आखिर क्यों हुई। शिकायत करने पर बच्ची के पिता को जान से मारने की धमकी देने की क्या वजह। छात्राओं के साथ इस तरीके का व्यवहार, इसका जिम्मेदार कौन है। तो स्कूल में फोन